देखना भाई, आगे शुरू करते हैं। देखो, तो मैंने यहाँ पर किसी भी कीज को, जैसे फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक्सेस करने के लिए मैं किस कीवर्ड का यूज करूंगा? दिस कीवर्ड का। मैंने लिखा दिस डॉट फर्स्ट नेम एक्सेस करना है, तो क्या फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी एक्सेस करना है तो डॉलर, और किसके अंदर दिस डॉट लास्ट नेम। तो अगर आपको वेरिएबल्स एक्सेस करने हैं, जो आपने कीज बना रखी है उनको किसी फंक्शंस के अंदर एक्सेस करना है, तो आप किस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं? दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए आप डॉलर के अंदर लिख रहे हैं वेरिएबल्स को, डॉलर दिस डॉट फर्स्ट नेम, डॉलर दिस डॉट लास्ट नेम, या आप लिख रहे हैं। और डट्टे का आपने लास्ट में क्या करना है? क्लोज करना है। या आपने डट्टिक क्या करा, कंट्रोल प्रोसेस सेव करते हैं। अगर मैं इसे नॉर्मली रन कराता हूँ, CLS नोड स्टेट एल करता हूँ, तो गुड मॉर्निंग अंकित शर्मा इंट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में मैंने बेसिक सी बात बताई, क्या बोला? बोला भाई ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपनी की वैल्यू पेयर दे सकते हैं, कोई की एड कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अब देखो बहुत सारी चीजें आगे होती हैं, इसीलिए मैं डीप नहीं जाते, जब वर्किंग करते हैं ना मेरे दोस्त, उस समय सिनारियो सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस पे भी डीपली घुसे तो ऑब्जेक्ट में आप नंबर ऑफ चीजें सोच सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा कैसे करें, दो ऑब्जेक्ट बना के क्या दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा कुछ हो सकता है ना। जावास्क्रिप्ट जितना आदमी डीपली ऐसे पढ़ता है तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो अभी जितनी जरूरत है, जितना सिनारियो उस हिसाब से सीखा, जब जरूरत पड़ेगी उस समय देख लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है तो पता है ना मुझे, एरे क्या है ये तो पता है ना मुझे। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं की वैल्यू पेयर पे डेटा डालता हूँ, की वैल्यू पे की फंक्शंस भी डाल सकता हूँ, फंक्शन डालते समय फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये तो बोल रहे हैं, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट है उसके बेस पे क्वेश्चन हजारों बन सकते हैं ऐसे तो, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होंगी, मेथड्स, ठीक है। तो जैसे जैसे सिनारियो आता जाता है वैसे वैसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि उस पर फिर, अब जब आदमी घुसना जाता है तो फिर आदमी अंदर कंफ्यूजन की तरफ जाता है, बहुत ज्यादा जाता है। जावास्क्रिप्ट फिर क्या करती है, कन्फ्लिक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान देना है। अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहते हैं, देखो कुछ स्टूडेंट की मैं हेल्प कर देता हूँ, जो कुछ पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं या जिनको कुछ चीजें पता होती हैं, जिनने कहीं यूट्यूब से या गूगल से पढ़ रखा हो नेट से, तो भाई अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं आता कोई टॉपिक, ठीक है, मुझे वो टॉपिक पढ़ना है, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा इस वेबसाइट को, जिस वेबसाइट का नाम है जावास्क्रिप्ट इन्फो, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे टॉपिक्स लिखे गए, जैसे पार्ट वन पार्ट टू, इस तरीके से ये वेबसाइट को बनाया गया है, ठीक है। जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना है उस टॉपिक को मैं क्या कर सकता हूँ, क्लिक करके पढ़ सकता हूँ। जैसे मुझे एरे मेथड्स पढ़ने, ठीक है, मैंने इस पे एरे मेथड्स पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं आया, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट ये लिखा है, इसके बारे में प्रॉपर पढ़ा रखा है, प्ले प्ले करके आप रन करा सकते हैं। नीचे बहुत अच्छी बात इन्होंने और कर रखी है कि आपके लिए नीचे टास्क भी दे रखे हैं, ठीक है, जो भी कुछ आपको करना है तो आप यहाँ से चीजें नीचे से पढ़ सकते हैं। जैसे ये देखिए पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। जब आपको वर्किंग पड़ेगी, देखो इतनी सारी मेथड्स हैं, कौन याद करता फिर, अगर तो जरूरत पड़ेगी तो कर लूंगा ना, ऐसे खोल के यहाँ से देख लूंगा कि क्या इस पर मेथड्स हैं या नहीं, ठीक है। देखो सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस भी देखे नीचे, कोड एंड सॉर्ट एरे, उसके नीचे क्या देखे हैं, सॉल्यूशन। तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम है javascript.info, ठीक है, शुरुआत में अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें पूरा जावास्क्रिप्ट है, मैं पूरा प्रेफर नहीं करता हूँ जावास्क्रिप्ट, आदमी तो आदमी है, एक आदमी क्या कर रहा है 100 वीडियो बना रहा है, कहता है ले पढ़ भाई जावास्क्रिप्ट, मैं कहता ही नहीं वैसा, इतना नहीं पढ़ते जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ेंगे चीजों को, वो क्या कर देगी आपको, कंफ्लिक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं गीता को अगर आप बार बार पढ़ते हैं, तो मैं कहीं देख रहा था एक बार दो बार तीन बार तो लास्ट में आप मोक्ष की तरफ ही जा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजों पे डीपली घुसना। मैंने देखा था एक बार, मुझे 5-6 साल पहले की याद आ रही है, मैं फरीदाबाद जा रहा था, CMC लिमिटेड में काम करता था, एक लड़का था, बीटेक विटेक किया हो,
तो उसकी बहन ने डायरेक्टली ऐसे मतलब ऐसे सामने में बैठे हुए थे, तो उसकी बहन ने डायरेक्टली मेरे को बोला कि भैया आप प्लीज इसे समझाइए ना, ये लड़का गीता की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, आप लोगों ने ऐसा शायद सुना नहीं है, अच्छी फैमिलीज के लोगों को स्कॉन का एक कॉन्सेप्ट है, अगर यूट्यूब यूट्यूब पे कहीं पे देखा आपने, ठीक है, अच्छी फैमिली के लोग होते हैं उसमें, ठीक है, गीता की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, मतलब डीपली जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, डीपली नहीं जाते भाई कोडिंग में, ठीक है, अगर आप रिसर्चर हैं तो बात एक अलग है, देखो आप नासा में बैठे होते तो बात अलग होती, अगर आप गूगल के अंदर ही आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने का रिसर्च करना होता तो बात अलग होती, आपको एक परमाणु बम बनाना है उसका रिसर्च करना है तो एक बात डिफरेंट है, ठीक है, नहीं तो आपको सिनेरियो टू सिनेरियो समझना है, ठीक है, जैसे वर्किंग आएगी आपने काम किया भूले आगे बढ़े ऐसा वाला सिनेरियो रखना दिमाग में, क्लियर हुई बात, क्योंकि जो जो बंदे कहते हैं ना मुझे जावास्क्रिप्ट कन्फ्लिक्ट करती है, भाई क्यों कन्फ्लिक्ट करती है, तू याद करता है ऐसे कन्फ्लिक्ट होती है तुझे, मेरे को कोई काम करना है तू करवा ले, मैं कहीं से देख दुख के कर दूंगा बात खत्म, मैं उसके बाद नहीं जानता तुझे, ऐसा सिनेरियो दिमाग में रखना है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है ये मुझे पता है, क्या एरर है ये मुझे पता है, अच्छा अब इस सिनेरियो पर थोड़ा आगे मूव करते हैं, एक सिंपल सा काम कर रहा हूं देखो, एम डॉट जी लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेट्स से ओबी इज इक्वल टू, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर मैं, ठीक है, मैंने ओबी इज इक्वल टू या कुछ भी ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू या कुछ भी ऐसा लिख दिया, ए इज इक्वल इसके अंदर ये क्या बना दिया एरे, एरे के अंदर क्या बना दिए ऑब्जेक्ट, लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट पे कुछ भी लिख दिया, क्या लिख देता हूं मैं, मैंने यहां पर लिख दिया लेट्स से ऐसा लिख देता हूँ आइटम नेम, ठीक है, थोड़ा एक सिनेरियो भी हो जाएगा, ठीक है, या मैच है ना, हाँ मैच है, चलो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड, चलो मैच है, मैच 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 बनाते हैं, मैंने क्या किया इंडिया, या फिर इंडिया की जगह पर यहाँ पर लिखते हैं रोहित शर्मा, नेम लिखा मैंने, लिखा नेम, नेम पे क्या लिख दिया रोहित शर्मा, ठीक है, समझना मेरी बातों को, मैं आपको एक सिनेरियो पर लेके जा रहा हूँ, मैं लिखा भाई रोहित शर्मा रन 30, ठीक है, कॉमा लेट से मैंने स्ट्राइक रेट ऐसा लिख दिया, ठीक है, स्ट्राइक रेट पे मैंने स्ट्राइक रेट डाल दिया, भाई इसका जो स्ट्राइक रेट है लेट से ये 55 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, कोई भी एक स्ट्राइक रेट मैंने डाल दिया ऐसे रहने, ठीक है, कॉमा मैंने इस पे क्या करा, अब जा अगला ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा नेम, ठीक है, लेट से मैंने इस पे क्या लिख दिया राहुल, राहुल भी है ना, ठीक है, कॉमा लेट से मैंने इस पे लिखा रन, रन पे क्या लिख दिया 40, तो तू बना ही देगा इंग्लैंड के खिलाफ तो खेलेगा, स्ट्राइक रेट लिखा 70, ठीक, अगला लिखा लेट्स से मैंने नेम विराट कॉमा रन 50, लेट्स से स्ट्राइक रेट लिखा 40, इस तरीके से कुछ भी रैंडम डाल दे रहा, ठीक है, मैंने दो तीन वैल्यू डाल दी हैं, अब आपको एक बेसिक की बात बोल रहा हूं क्योंकि इसी चीज को मैं कल आगे कंटिन्यू करूंगा, ये जो डेटा है ये मैंने इस डेटा को क्या कर रखा है, खुद से बना रखा है, अब आप सोचिए आप क्रिक बज चलाते हैं तो क्रिक बज में पेज पे दिखती हैं चीजें, ठीक है, आप हॉटस्टार चला रहे हैं हॉटस्टार पे भी दिख रही हैं चीजें,
ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपका डेटा बैकएंड में स्टोर हो रहा होगा, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा होगा, बैकएंड में, और वो बैकएंड में स्टोर होने के बाद वो डेटा कुछ ऐसा दिखता है, देखना इस तरीके का ये डेटा कुछ है, ये इसे बोलते हैं एपीआई। तो मैंने क्या किया, स्टैटिक एक डेटा बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, इसमें मैंने एक एरे बनाया है, उस एरे के अंदर क्या कर रखे हैं, तीन ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, इस डेटा को फेच करके पेज पर दिखाना होता है, सर्चिंग का कॉन्सेप्ट, डिस्क के अंदर सब कुछ आपको इस पे लगाना पड़ता है, ठीक है, कि जो मेरे पास डेटा है वो डेटा कैसे दिखे, टेबल पे दिखाइए, समझना, एक तरफ स्ट्राइक रेट, एक तरफ नेम, एक तरफ क्या रन, इस तरीके का दिखाई दे, तो आपको इस डेटा को फेच करके अपने पेज पर दिखाना होगा, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एरे ऑब्जेक्ट किस चीज को एक्सेस करना है, सब पता होना चाहिए। अगर मैं इसे कहा जाए कि टोटल रन कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड होने, रन ऐड होने, ठीक है, कि कौन हाईएस्ट स्कोर है ये दिखाना है, तो फिर लॉजिक दिखाना है किस पे, उस डेटा पर, ठीक है। तो कल हम इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वही मेथड्स जो हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं मेथड्स का यूज करेंगे, जो हमने पढ़ा है फाइंड, फिल्टर, रिड्यूस, मैप, तो उसको एक बार रिवाइज कर लें और इस पर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछता है, इसी चीज को हम पेज पर बनाएंगे। जब हम रिएक्ट पे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इन्हीं चीजों का यूज करेंगे। तो एपीआई पे डलता रहता है, बैकएंड है भाई, सिस्टम पे बैठा बंदा डाल रहा है, वो बैकएंड पे डाल रहा है, लाइव पुट होता रहेगा, रिएक्ट पे फेच करने का कोड लिख रखा है, फेच होता रहेगा, लाइव चल रही है साइड, आप इंटर तो करोगे, बिना इंटर करे थोड़ी डाटा चल जाएगा, ठीक है भाई। तो बिना कैसे ऐड होगा सर, कई डेटा जैसे स्टॉक मार्केट वाला डेटा वो हर सेकंड बदल रहा है, वो कैसे भाई। देखो वेबसाइट के सिनेरियोस है, डेटा स्ट्रीमिंग के थ्रू भी है, जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो लगी पड़ी है, ठीक है ठीक है, तो आपको सिनेरियो बनाने पड़ेंगे, स्टॉक का मार्केट का सिनेरियो अलग होगा, सर्वर एक्सेस अलग होगा, जैसे पाइथन का सिनेरियो अलग है, ठीक है, डेटा एनालाइज होने का सिनेरियो अलग है, काफी सारी चीजें ऐड होती हैं, फिर ऐसा थोड़ी कि किसी एक ही टेक्नोलॉजी से काम होगा, ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के बेस पे काम करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नोट के बेस, ऐसा वाला सिनेरियो नहीं होता, फिर टेक्नोलॉजी ऐड करनी पड़ती है, कि डेटाबेस के लिए आपको क्लाउड पे डेटा जाएगा, ठीक है, आपको कोई और चीज करनी है तो हो सकता है वहां पर आपको पाइथन पढ़नी पड़े, पाइथन का यूज होगा उस जगह पे, ऐसे सिनेरियो पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। हम तो स्टैटिक डेटा की बात कर रहे हैं कि भाई ये डेटा है आपके पास, कहीं स्टोर हो रहा है तो कहाँ आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, इस एपीआई पर आ रहा है, ये एक एपीआई है, जिस एपीआई को मैं हिट करके क्या करूंगा, अपने पेज पर दिखाऊंगा, ठीक है, मैं तो दिखाने वाला हूं ना, फ्रंट एंड का मतलब क्या, जो दिखा रहा है, ठीक है, बैकएंड के पीछे भी फिर वहां दिमाग लगाएगा बंदा कि किस तरीके से काम होगा, जैसे लिखा, तो बैकएंड में एक ही सर्वर से सारे ये कनेक्ट हैं, क्रिकबज, हॉटस्टार, तो हाँ ऐसा कह सकता हूँ, एपीआई है इस सिनेरियो के हिसाब से, जो बात बोल रहा हूँ, देखो इस सिनेरियो के हिसाब से जो भाई ने लिखा है, इस सिनेरियो के हिसाब से आप देखिए, मेरे को मोबाइल रिचार्ज कराना है, एयरटेल के पास एयरटेल की ऐप है, ठीक है, अच्छा शॉपिंग करनी है, मंत्रा है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, सबने जीपे का ऑप्शन दे रखा है, एक बेसिक सी बात करते हैं, किसका ऑप्शन दे रखा है, जीपे का ऑप्शन है सब पे, जीपे वालों ने क्या कर रखा होगा, एक एपीआई बना रखी, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, सर्वर तो जीपे का एक ही है, ठीक है, अच्छा सर्वर एक ही है, कर मतलब भी मल्टी पार्ट है सर्वर में भी, अच्छा जैसे फेसबुक है, अब यहाँ एक ही हवाले का सिनेरियो बोल देता हूँ, ठीक है, जैसे फेसबुक है, हमने डेटा को यहां से एंटर किया, ठीक है, हम डेटा को एंटर करते हैं, डेटा एंटर होने के बाद अभी तक के सिनेरियो पर हम ये जानते हैं कि मार्क जुगलबर्ग ने एक सर्वर बना रखा है जिसपे डेटा क्या होता है, सेव होता है, भाई उस सर्वर की भी पार्ट करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि सर्वर की भी तो बैकअप चाहिए, डायरेक्टली डेटा सर्वर पे नहीं जाता, सर्वर की भी क्या बनाते हैं, सब पार्ट्स, हो सकता है इंडिया के अंदर दो जोन बना रखे हों, एक मुंबई पे और एक कर्नाटक पे, ठीक है, कि दो सर्वर कहाँ पे हों, यहाँ पर हों, इन सब सर्वर के थ्रू डेटा जाता हो, ठीक है, ये किसका पार्ट आ गया, नेटवर्किंग का, ठीक है, सर्वर भी हो सकते हैं क्या हो, ब्रेक हो, क्योंकि भाई एक ही
सर्वर पे अगर डेटा जाएगा तो हो सकता है सर्वर पे कितना डेटा होगा आप सोचो, ठीक है, क्रैश हो गया तो बैकअप भी तो चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं आगे वैसे बढ़ते चले जाएंगे और चीजें इजी होती चली जाएंगी। तो अभी तक के केस में, हमारे केस में, क्योंकि हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो मैं अभी बोल रहा हूं कि भाई हाँ एक ही सिस्टम, ठीक है। बट आप देखिए वो जीपे वाले कॉन्सेप्ट पे, अब आप जीपे को मंत्रा पे भी यूज कर पा रहे हैं, उसी जीपे को अमेजोन पे भी यूज कर पा रहे हैं। मतलब जीपे वालों ने क्या कर रखी है, एक एपीआई बना रखी है, आपको बस उस एपीआई को क्या करना है, हिट करना है, बस बात खत्म। अगर आप जीपे की एपीआई हिट करना सीख गए तो हो गया, आप अपनी एप्लीकेशन से भी क्या कर पाओगे, उस एपीआई को यूज कर पाओगे, पेटीएम की एपीआई को भी यूज कर पाओगे। हो सकता है वो लोग अपनी एपीआई को यूज करने के लिए आपसे चार्जेस लेते, ठीक है, इट वेरीज, ठीक है। जैसे आप एक बच्चे ने कल मेरे से क्वेश्चन किया कि सर मैंने, ठीक है आपने मेरे को ये चीजें बनाई, मैंने इतना सारा एप्लीकेशन यूज कर दिया, बन गया है सर, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही कोई डेटा मेरे पास वेबसाइट पे एंटर करे, कॉन्टेक्ट हो जाए, मतलब वो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों से, जैसे ही डेटा एंटर हो जाए तो डेटा एंटर होने के बाद तुरंत बंदे के पास एक मैसेज चला जाए, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन आवर वेबसाइट, ऐसा मैसेज उस बंदे को चले जाए। तो मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा भाई देख ऐसा होगा, मैसेज की एक एपीआई होगी, तो यूट्यूब कर या फिर गूगल कर, ठीक है, अगर कोई फ्री मैसेज भेजने वाली कोई एपीआई है तो वो यूज कर ले अभी, ठीक है। उस एपीआई को पहले तुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कैसे उसे अटैच करना है, बस उस एपीआई को तुझे क्या करना है, अटैच करना है अपने कोड के साथ, वो एपीआई का काम है मैसेज भेजना, ठीक है। नंबर जैसे इंसर्ट हुआ जहां पे चेंज करने के लिए बोल रहा है वहां पर क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक है। इन्हें कुछ लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, आपको वो चीजें पहले पढ़नी पड़ती हैं तब आप क्या कर पाते हैं उन्हें यूज कर पाते हैं। जैसे अगर आप मुझसे कहोगे कि सर जीपे यूज करके दिखाओ, तो भाई मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उस सिनेरियो को मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, समझ रहे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं सिनेरियो चेंज होते हैं, मगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये वेरी करता है, एक ही सर्वर होगा वाला, ठीक है, क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, कल समझेंगे बात। ये नेटवर्किंग